हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है जो फ्री ऑफ कास्ट है। हिंदी, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग की स्पेशल तैयारी कराया जाता है, जहां पर सभी कॉन्टेंट आपको फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं। और इसी क्रम में अब आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का डेट आ चुका है और DDU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का डेट आ चुका है। और उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, सबसे अधिक नंबर कैसे, सबसे ज्यादा स्कोर कैसे करना है, ये सारी रणनीति के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भरपूर सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज का क्लास है आपका टेस्ट सीरीज, रीजनिंग का टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग टेस्ट सीरीज का ये पार्ट 3 लेकर के आए हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पार्ट 3 में और भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम करेंगे। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये आपका जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे कंपलसरी है, ठीक है ना। यहाँ से आपके प्रश्न उठाए जाते हैं और उसी टाइप का मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हो, ठीक है। चलिए आइए हम प्रश्न को देखते हैं, कौन से प्रश्न हैं ऐसे जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। उस प्रश्न को सबसे पहले कराने का मैं प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं तो आपका टाइम टाइम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन हमें टाइम कम देना है और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करना है। तो आप तुरंत फटाफट स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन सीरीज है, अभी और क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे, कम से कम 20 प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए 15:225, उसके बाद देखिए ये डबल रेशियो यानी समानुपात इसको बोलते हैं, 17:00, फिर क्या आएगा, अगला पैटर्न पूछ रहा है, तो क्या आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, यह आपका क्या है, 15 का स्क्वायर है, क्या है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें चार ऑप्शन, 256, 169, 289 या 484, तो सही उत्तर होगा आपका दोस्तों सी नंबर, यानी जो सही उत्तर होता है वो सी 289 जो होगा वो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तुरंत पूछेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1:1, तो 15:1 क्या होगा, 1:1 तो 15:1 क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है इस टाइप से, और अब तो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ चुके हैं तो टेस्ट सीरीज देने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ही आसान तरीके से जितने टाइप्स होते हैं इस प्रकार के प्रश्न के, वो सभी में बता चुका हूँ, एक भी छोड़ा नहीं हूं। तो आप इसे फटाफट करते जाइए, तुरंत करते जाइए, ठीक है ना। चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। बर्फ को जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो बस आप धीरे धीरे, यानी आप कंटिन्यू बने रहिए, रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि जब आप टेस्ट देंगे तो देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आप खुद कर ले रहे हैं बिना बताए हुए, तब अपने आप को समझेंगे कि हाँ मैं आज ग्रोथ कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसे ही ग्रो करेंगे, रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। तो क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। देखिए वन का यहाँ देखेंगे क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 226 या 1 या 16 या 225, तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्या, 225, क्या हो जाएगा, 225 इज द राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का, दूसरे नंबर प्रश्न का 225 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और करते रहिए नोट डाउन, और साथ में इसका जवाब भी देते रहिएगा, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है आपका 4:17, तो 6 का रेशियो क्या होगा, अब देखिए 36 होगा, 37 होगा या 216 होगा या 18 होगा, तो सबसे पहले यहाँ जांचना है कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर अगर करते हैं
तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया गया तो 17 हो गया। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36 और प्लस 1 बराबर 37 हो गया। तो जो ऑप्शन आपका दिख रहा है 37 वो सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका दिख रहा है यही आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है ना, यही आपका सही होगा। तीसरा का एक बार और समझ लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 17 आ गया, तो उसी प्रकार 6 का स्क्वायर और प्लस 1 जोड़ेंगे 37 आएगा, तो 37 बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आपको एग्जाम को एग्जाम के मस्तिष्क में छेद करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आ रहा, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करके आना है, आपको मेरिट में आना है, आपको रैंक लाना है, आपको पास नहीं होना है, आपको रैंक लाना है। आप अपने जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपका एम पूरा हो, आप एडमिशन लें, ये मेरा परम कर्तव्य है और परम लक्ष्य है, लेकिन जब आप साथ चलेंगे तब। ओके चलिए, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दिया है 12 142 19, सो ऑन क्या होगा। अब देखिए 12 दिया है, 12 का सबसे पहले यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ देखिए क्या होगा, 12 का जो स्क्वायर होता है वह 144 होता है, 144 होता है, तो इसमें से 2 माइनस कर दिया गया कितना हो गया 142 हो गया, क्या हो गया 142। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 361 होता है ना। तो जब 19 का स्क्वायर करते हैं 361 होता है, तो अब 361 में क्या करेंगे तो आंसर सही आएगा, जल्दी बताइए आप क्या करेंगे तो आंसर सही आने वाला है। नहीं समझ में आ रहा तो बार 19 का ऐसे करके देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। 9 9 81 के एक हाथ में है 8, 9 9 9 8 17, 1 9 9 एक हो गया 9 7 16 के 6 हो गया 1 1 2 1 3 361। तो इसमें भी 361 में से 2 को घटा देंगे, 361 में से जैसे इसमें भी 2 घट रहा था यहाँ भी 2 घटाएंगे, 361 में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना 359 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन दिया है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है ना, 359 आपका सही होगा। अब देखिए एक बार और समझिए, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 करेंगे तो 142 अकॉर्डिंग टू आ गया 142, और 19 का स्क्वायर करेंगे 361 और इसमें से माइनस 2 करेंगे तो 359 आ जाएगा। ओके ये है आपका आंसर। चलिए आगे दिया है आपका 7:56, तो 9 क्या होगा, 9 क्या होगा। अब यहाँ देखिए कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, इसका जवाब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए, यहाँ कौन सा रूल लग रहा है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा, इसका आप जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए अब लगाते हैं, 7 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 8 से 7 8 56 हो गया, फिर 9 में जब इसमें भी 8 से हुआ है, जब पहली संख्या में 8 से हुआ है 56 प्राप्त करने के लिए, तो दूसरी संख्या में भी उसी से प्राप्त होगा, क्योंकि आपको दूसरी संख्या में दूसरे अंक से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंक पहले से मल्टीप्लाई किया है वही अंक आपका दूसरे अंक से भी मल्टीप्लाई करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो गया, तो 9 में 8 का गुणा करेंगे, क्या 9 में 8 का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा 9 8 72 होगा, क्या होगा 9 8 72 होगा। अब देखिए 72 इसमें 81 91 72 74, तो 72 आपका सही होगा, यानी जो आंसर है वो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। पांचवा का जो आंसर है वो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए आगे हम 6 नंबर में चलते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऑप्शन भिन्न कौन है, सबसे भिन्न ऑप्शन को आपको बताना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, और यह ऐसे ही प्रश्न आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आते हैं सभी कोर्स में, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आता है। ठीक है ना, तो जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर का यहां से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे भिन्न है। ठीक है ना, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और समझ में आ जाए थम्स अप जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है जुलाई अगस्त अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त और जो अक्टूबर होता है वो 31 दिन का होता है। ठीक है ना, कौन कौन, जुलाई जुलाई, ठीक है, अगस्त अगस्त और क्या अक्टूबर अक्टूबर,
ये जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं, बाकी जो सितंबर आपका है, सितंबर सितंबर आपका कितने दिन का, 30 दिन का होता है, कितने दिन का, 30 दिन का होता है। इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे भिन्न है, क्योंकि सभी जो हैं वो 31 दिन के होते हैं और जुलाई अगस्त अक्टूबर 31 दिन का होता है, सितंबर आपका केवल 30 दिन का होता है, इसलिए यह अन्य सभी से भिन्न है, इसलिए यह अन्य सभी से भिन्न है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब दिया है 7 नंबर, नाक कान जीभ और दांत। नाक कान जीभ और दांत, ये सबसे आसान प्रश्न है, इसका जवाब आपको ही देना होगा, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। इस ये HW है, इसको दे रहे हैं HW, इसका जवाब सबसे आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे करके फटाफट आप जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या है, इसका जवाब आपको देना है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा सही। चलिए इसका सही जवाब दीजिए कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हम करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 484, 529, 625 और 566। ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग बोला, थोड़ा सा अपना ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, जब ट्विस्ट कर देंगे क्वेश्चन थोड़ा समझ जाएंगे ना, तो आसान होगा ये आपके लिए। तो ये क्या है, 484 है, ये 529 है, ये 625 है, ये 566 है। तो इन चारों में से कौन सबसे भिन्न होगा, यही आपको बताना होगा। तो यहाँ देखिए इन चारों में से भिन्न कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ, ये 566 जो दिया हुआ है ये सबसे भिन्न है, बाकी 625 भी स्क्वायर किसी का है और 529 भी किसी का स्क्वायर है, वो आपको पता होगा, और 484 भी किसी का स्क्वायर है, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें सबसे भिन्न आपका आ रहा है डी नंबर ऑप्शन, जो है आपका क्या, 566। 566 जो है वो आपका सबसे भिन्न है, किससे, तीन ऑप्शन से भिन्न है, क्योंकि यह किसी का स्क्वायर नहीं है, 566 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में देखेंगे, 9 का आपका दिया है, 9 का 81, 8 का 64, 6 का 36, 7 का 47। अब यह बताइए, ये तो सबसे आसान है, आप देखते ही प्रश्न को कर लेंगे, यह प्रश्न सबसे आसान है, आप देखते ही प्रश्न को तुरंत उड़ा देंगे, धूल ही धूल उड़ जाएगा, इतना आसान प्रश्न है, आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट करके बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट करके बताइए। ठीक है ना, तो 9 का 81 दिया है और 8 का 84 दिया है, 6 का 36 दिया है और 7 का 47 दिया है, तो क्या हो रहा है इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। तो 9 का देखिए, 9 का जो वर्ग होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, उसके बाद देखेंगे 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 36 होता है, वहीं 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, लेकिन 7 के स्क्वायर में क्या दिया है, यह आपका दिया है केवल 47 दिया है, तो 47 नहीं, अगर 49 यहाँ रहता तो ये सही रहता, तो चारों बराबर हो जाते, लेकिन यहाँ 49 नहीं, इसलिए चारों बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 7 का 47 हो जाएगा, तो ये सबसे अलग है, बाकी सब किसी न किसी के स्क्वायर है, यानी ये 6 का भी स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ 47 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न अलग है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, 8 का देखिए, 8 के बाद 27 दिया है, 27 के बाद 64 दिया है, 64 के बाद 125 दिया है, तो अगला पैटर्न क्या होगा, अगला पैटर्न पूछ रहा है, तो अगला पैटर्न क्या होगा, यह आपको बताना होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए इस प्रश्न का जवाब, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों आप लड़िए, जिंदगी आपको मिला है मनुष्य का, तो आप लड़िए, कंटिन्यू आप लड़िए, जिंदगी ही यानी लाइफ इज स्ट्रगल, जिंदगी में आपको कठिनाइयों का सामना करते रहना है, हमेशा आती रही कठिनाइयां उनका सामना करना है, कभी घबराना नहीं है, जो घबराया वो पीछे गया और जो उस कठिनाई का सामना किया वही आगे गया है, तो रिस्क लीजिए, मेहनत कीजिए, सफल जरूर होंगे। ठीक है ना, और हमारे इस कोचिंग का यही एम है कि बच्चा रैंक की तैयारी करे, पास होने की तैयारी, पास तो बहुत हो जाते हैं,
लेकिन रैंक की तैयारी करना आपको, ठीक है ना, रैंक की तैयारी में लगिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 8 हो गया, 27 हो गया और 64 हो गया और ये आपका 125 हो गया। तो यह देखिए, यह 2 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है, अगला 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन 4, 216, 343, 261 और 334। तो सही उत्तर क्या होगा, 125 के बाद जो 6 का जो क्यूब होता है वह होता है दोस्तों 216। क्या होता है, 216। तो यह आपका है क्यूब 216, ठीक है ना। 10 प्रश्न की सीरीज लेकर मैं आया, 10 प्रश्न करा दिया, अभी और 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहले ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस सेट है, जब खुद करेंगे तभी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको हम 20 प्रश्नों की रेगुलर सीरीज लेकर के आएंगे, 20 प्रश्न रीजनिंग की रेगुलर लेकर के आएंगे और मैं रेगुलर कराऊंगा। इसमें से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूं, बाकी जो आपको समझाना था और जो भी कराना था वो मैं करा चुका हूं इसके पहले। लेकिन इसमें क्या है, मैं केवल आपको 20 प्रश्नों की सीरीज लाऊंगा जिसमें सभी प्रकार के रीजनिंग के होंगे। और उस रीजनिंग में ये भी ध्यान रखिएगा, उस रीजनिंग में आपको मिलेगा जो एग्जाम के लेवल का है वही मिलेगा, बाकी ऐसा नहीं बाहर से कुछ मिलेगा, जो एग्जाम के लेवल का है वही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे आप फटाफट नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करना चाहते हैं देखिए, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं तो आप हमारे साथ चलिए प्रैक्टिस कीजिए, साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपको परखना है ना, मैं तो इसका उत्तर बताऊंगा ही, आपको खुद को परखना है ना, तो आपको ये सॉल्व करना होगा मुझसे पहले, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं और कुछ और प्रश्न 10 कर लेते हैं, 20-20 प्रश्न का सीरीज में रेगुलर लेकर के आऊंगा, ठीक है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों आपको हताश नहीं होना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है और निखर जाना, सक्सेसफुल हो जाना है, रैंक आपका आएगा, एडमिशन आपका होगा जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और कैसे ये क्वेश्चन सही होंगे और कम समय में कैसे आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दिया है, यदि आग को पानी कहा जाए, यहाँ आप देख लीजिएगा बात क्या कह रहा है कि आग को क्या कहा जाए, पानी कहा जाए, ठीक है। चलिए यहां मैं लिख रहा हूं आग को पानी, आग को पानी कहा जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए पानी को हवा, पानी को हवा कहा जा रहा है, हवा को भोजन कहा जा रहा है, हवा का मतलब हुआ नाम भोजन है, इसको आप भी लगाते रहिए क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं ना, इसको आप भी लगाइए। तो हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, ठीक है ना, भोजन को भूख कहा जाता है, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, अब यहां लिख रहे हैं भूख को प्यास कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, ठीक है, प्यास को तपिश कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, ठीक, और तपिश को ठंडक कहा जाए, तपिश को ठंडक, तपिश को ठंडक कहा जाए। तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है, अब प्यासे को किस चीज की जरूरत है ये फटाफट बताइए, प्यासा अगर प्यास लगा उसे किसकी जरूरत है, भूख की जरूरत है कि किसकी जरूरत है, सही सही बताइए जवाब क्या होगा, प्यासे को क्या चाहिए, प्यासे को क्या चाहिए फटाफट बताइए, प्यासे को क्या चाहिए, ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है, ठीक है ना, अगर उसे प्यास लगी है तो उसे क्या चाहिए, तो प्यास लगी है तो उसे क्या चाहिए फटाफट बताइए, प्यास लगी है तो उसे क्या चाहिए, प्यास लगी है उसे तो पानी चाहिए, और पानी को क्या कहा गया है, आग कहा गया है, तो यहाँ जो सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, आग चाहिए, प्यासे को आग चाहिए, क्या चाहिए, प्यासे को आग चाहिए, ठीक है ना, सही उत्तर आपका
ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर जिसका ए नंबर ऑप्शन आया है उसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जिसका ए नंबर ऑप्शन आपका आ गया है उसका सही उत्तर होगा। तो फटाफट इसको लगाइए, इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, डीपली में पढ़ाया हूं, और आज आपको टेस्ट सीरीज में भी दे रहा हूं, क्योंकि यहां से प्रश्न एक दो प्रश्न जरूर उठ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइप क्वेश्चन का बदलते हैं, आपको देते हैं यह आपका रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे, यह भी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए, दिया है एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति, अब ध्यान रखिएगा यहां, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए कैसे आपको घुमा रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए एक महिला से कहा, ये हो गई महिला, ये हो गया पुरुष, ये हो गई महिला, उसके बाद क्या कहा, तुम्हारी माता के पति, यानी इसकी माता के पति, इसकी माता के पति, ठीक है, की बहन, ठीक है, मेरी माता है, यानी इनकी माता है, ये बहन मेरी माता है। अब देखिए यहां, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का उस महिला से यही संबंध है, चचेरा फुफेरा भाई, यानी उसे चचेरा भाई कह सकते, क्योंकि बुआ है, ठीक है ना। वो जो हो लेडीज हो रही है वो बुआ हो रही है, ये जो लेडीज हो रही है ये पति की बहन है, यानी इस महिला के माता के पति की बहन है, तो ये क्या है, माता के पति की बहन है, तो इसका फुफा यानी ये बुआ लगेंगी, ये इसकी तो माता लगेंगी, लेकिन किससे पूछ रहा, महिला से, तो इसका क्या रहा? ये महिला जो है एक दूसरे से किस रूप में कनेक्टेड है, ये चचेरा फुफेरा भाई के रूप में है, ठीक है, ये पुरुष चचेरा फुफेरा भाई है, ठीक है ना। सही उत्तर आपका होगा चचेरा फुफेरा भाई, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा, आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए यहां से प्रश्न मैं आपको उठाकर दे रहा हूं, एक दो प्रश्न जरूर इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा, तो आपको फार्मूला भी बताया गया है, क्या बताया गया है, कुल बराबर क्या होता है, अच्छा इसका बताइए, आपको फार्मूला भी लिखवाया जा चुका है, इसका बताइए क्या, चलिए इसका होगा ऊपर से क्रम माइनस नीचे, सॉरी प्लस नीचे से क्रम माइनस वन, ठीक है ना, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम माइनस वन, तो कुल कितनी संख्या है, यहां देख रहे हैं 50 है, 50 बराबर ऊपर से क्रम कितने हैं, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा, तो ऊपर से क्रम 21वां है, 21वां हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से क्रम 21वां है, प्लस नीचे से आपका पता ही नहीं है, नीचे से, और माइनस वन, क्या होगा माइनस वन, तो प्लस माइनस से माइनस, तो यहां जो घटेगा घट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 20, क्या बचेगा 20 प्लस नीचे से, क्या नीचे से, ठीक है, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 50। अच्छा दोस्तों विजिबल हो रहा है कि नहीं, पहले ये हमको बता दीजिए, विजिबल हो रहा है, चलिए इसको हम मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां देखेंगे 50, तो 20 इधर प्लस था, क्या 20 इधर प्लस था, तो इधर आकर माइनस होगा, माइनस 20 बराबर नीचे से, तो 50 में से 20 घटा देंगे आपका 30 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा नीचे से, यह जो है नीचे से, ठीक है ना, तो 30वां होगा इसका सही उत्तर, होगा बी नंबर 30वां, यानी ऊपर से क्रम अगर उसका 21वां है, तो नीचे से क्रम उसका दोस्तों कितना होगा, 30वां होगा। फार्मूला क्या होता है, कुल बराबर ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम माइनस वन, कुल बराबर ऊपर से क्रम माइनस नीचे से, सॉरी प्लस नीचे से क्रम माइनस वन, ये है दोस्तों आपका रहा क्वेश्चन, और देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा प्रश्न को, थोड़ा घुमा देगा, तो उसी में आप अटक जाएंगे, लेकिन अटकना नहीं है, देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। अगर आप मेरा डीपली जो क्लास पढ़ाए हैं वो पढ़े नहीं है, जाकर अभी भी पढ़ लीजिए, अभी समय है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय का
आपका एग्जाम डेट आ गया है 15 जुलाई। 15 जुलाई को आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आप पूरा नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों, तो आगे अब हम लोग देखते हैं ये 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर, ठीक है ना। तो फटाफट इसे आप सॉल्व कीजिए और मैं भी इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, यदि P का अर्थ भाग हो, P का अर्थ भाग हो, Q का अर्थ गुणा हो, R का अर्थ प्लस हो, S का अर्थ माइनस हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है तो ये हो गया 18, अब Q का अर्थ क्या है गुणा, गुणे 12, और उसके बाद P का अर्थ क्या है भाग, तो भाग भागा 4, उसके बाद R, R का अर्थ क्या है प्लस, प्लस में क्या है फिर 5, और यस, यस का अर्थ माइनस क्या 6, बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बॉडमस नियम फॉलो कीजिए, तो B है नहीं तो D मास फॉलो कीजिए, D मास, ठीक है। 4 का भाग दे दीजिए 18 गुणे 4 3 12 प्लस 5 माइनस 6, अब मल्टीप्लाई होगा 18 और 18 में 36 54 हो जाएगा, 54 और प्लस 5 माइनस 6, तो 54 और प्लस क्या होता है 59 होता है, 59 में से आप 6 को घटा देंगे कितना बच जाएगा, 59 में 6 घटाइए 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर सही होगा 53, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, 18 गुणे 12 भागा 4 प्लस 5 माइनस 6, तो डी मास का रूल फॉलो कीजिए, 12 में आप 4 से पहले भाग दे दीजिए 3 आ गया, अब गुणा कर दीजिए दोनों का 54 आ गया, प्लस 5 माइनस 6, तो 54 5 जोड़ देंगे 59, 59 में से 6 माइनस कर देंगे 53, 53 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इस प्रकार का एरो दिया, फिर ऐसे दोनों साइड एरो दिया है, फिर यहाँ आपका एक दूसरे के सामने सामने एरो दिया, फिर एक नीचे, दोनों नीचे और दोनों ऊपर दिया, ठीक है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, तो अगला पैटर्न दोस्तों क्या होगा, चलिए बनाते हैं अगला पैटर्न। तो इसमें यह पैटर्न इस ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर का पैटर्न ऐसे आएगा, फिर इधर का ऐसे, यानी देखिए ये अलग है, दोनों एक साथ हैं, तो जब ये एक साथ रहेगा, ये दोनों देखिए एक साथ हैं ऐसे हैं, तो ये जब एक साथ रहेगा तो इसका आपका ऑप्शन जो है ये बनेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, किसका, 15 का सी नंबर होगा सही, आप एक बार सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे, ये एरो है, टी है, टी उल्टा है, बी है, बी है, अब सी है, सी उल्टा है, यू है, यू उल्टा है, जी है, उसके बाद ऐसे है, ठीक है। तो बी सी और उसके बाद ऐसे उल्टा बनते जा रहा है। तो अगला हम लोग देखेंगे, देखिए यहां से ए बी सी डी ऊपर के साइड लिख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि नीचे ना आपका हाईलाइट हो रहा है तो फिर ऊपर दिख जाए, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, पैटर्न को भरना है। अब देखिए यहाँ जी क्या है, जी आपका सही है, तो यहाँ जी क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो आपका आएगा क्या आएगा, टी, तो अगला जो आएगा यू भी डब्ल्यू एक्स आएगा, क्या आएगा यहाँ यक्स, आपका सही आएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, इसका डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, फटाफट करते जाइए, डी नंबर ऑप्शन सही है, पैटर्न बस देखना है। अब यहाँ देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बिंदी, 3 ऊपर 2 नीचे 1 बिंदी, 3 ऊपर 1 नीचे 1 बिंदी, तो अगला जो पैटर्न होगा वो 3 ऊपर बिंदी और नीचे एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 फिर 2 फिर 1 फिर यहाँ 0, तो यह आपका सही होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट देख लीजिए और इससे सॉल्व कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, समझ में अगर क्वेश्चन आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट है इसलिए आपको तेजी से सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न को हमको कवर करना है, ठीक है। और हर एक सिलेबस से जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर से हमें कवर करना है, तो जो भी चैप्टर है उसमें से कवर कर लिए, कुछ और चैप्टर बाकी है उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे फटाफट आप नोट डाउन करना चाहते हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक 2-3 प्रश्न और बचा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 3 प्रश्न और बचे थे 20 प्रश्नों की सीरीज में, और तीनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ए नंबर दिया है 4 2 8, बी नंबर दिया है 3 3 9, और सी नंबर दिया है 3 2 6, और डी नंबर दिया है 3 3 8। तो इसको पहले सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, ए नंबर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं 18 का, तो यहाँ देखेंगे 4 2 8, तो इसे देखेंगे 4 × 2 करते हैं, देखिए 8 आ गया, उसके बाद 3 × 3 3 9 3 3 9, तो 3 × 3 करते हैं, देखिए आपका 9 आ गया। सी नंबर को देखते हैं, सी नंबर को देखते हैं 3 2 3 2 6,
तो 3 × 2 करते हैं तो 6 आ जाता है, और लास्ट में देखिए 3 × 3 = 8, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया, 8 दिया है। तो सबसे भिन्न पूछ रहा है, तो यही डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सबसे भिन्न यही है, ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन जो पूछ रहा है, देखिए यही लेवल आएगा, इससे ज्यादा नहीं उठाएगा आपका लेवल, ठीक है। और जो लेवल आपका उठाने वाला वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान पूर्वक हर एक प्रश्न को करिए, और सभी प्रश्न को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूं, ठीक है। तो यहां आपका अलग है, क्योंकि यहां 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8 ही हो रहा है, लेकिन यहां 3 × 3 = 9 होगा, लेकिन यहां 8 दिया, इसलिए सबसे भिन्न है। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है 2, 3, 4, इसमें सारे ऑप्शन में कौन सबसे भिन्न है, तो सबसे पहले देखते हैं 2, 3, ये रूल नहीं, 3 × 2 = 6 नहीं फॉलो हो रहा है, 8 नहीं, सब ये फॉलो नहीं रहा। अब यहां देखेंगे एक और रूल फॉलो आ रहा है कि इंक्रीज ऑर्डर में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, जैसे असेंडिंग में 2, 3, 4 तो ये बढ़ते क्रम में है, 6, 8, 9 बढ़ते क्रम में है, 5, 4, 5, 3 ये आपका क्या है, कोई भी क्रम नहीं है, 3, 5, 7 ये भी बढ़ते क्रम में है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, मिक्स क्रम है, मिक्स क्रम है, इसलिए ये सबसे भिन्न है। ये देखिए 3 के बाद 5 आता, फिर 7 आता, बढ़ते क्रम में है, ये आपका 6, 8, 9 ये भी बढ़ते क्रम में है, 2, 3, 4 ये भी बढ़ते क्रम में है। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9, 7, 6, 6, 4, 2, 7, 5, 4, 5, 3, 6, तो जैसे ये ऑर्डर है उस वही है, लेकिन यह डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो घटते क्रम में देखिए 9, 7, 6 ये भी घटते क्रम में है, 6, 4, 2 ये भी घटते क्रम में है, 7, 5, 4 ये भी घटते क्रम में है, 5, 3, 6 ये मिक्स क्रम है, डी नंबर ऑप्शन सबसे भिन्न होगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सबसे क्या होगा, भिन्न होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरे 20 प्रश्नों की जो सीरीज हम लेकर आए थे, हर टेस्ट में दोस्तों, हर टेस्ट में मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा, 20 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो फटाफट इस चैनल पर जाइए, और उसके बाद आप कोर्स, जो आप तो कोर्स परचेस किए ही हैं, ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, और टेस्ट सीरीज आप मात्र 79 रुपीज में आप परचेस कर सकते हैं, ये ऑफर चल रहा है, 79 रुपीज में आप ले सकते हैं, केवल यह आपका ऑफर सीमित समय के लिए, केवल 79 में आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो जाइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, और अपने नॉलेज लेवल को ग्रोथ कीजिए, और आने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एग्जाम को क्रैक कीजिए, और ये ध्यान रखिएगा रैंक में आना है आपको, इसलिए पढ़िए, रैंक में आना है, और आपको एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपना क्लास आज ओवर करने वाला हूं, क्योंकि 20 प्रश्न की सीरीज आपकी फिनिश हो चुकी है। और एक बात और मैं बता देता हूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपका एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम डेट 15 जुलाई, 15 जुलाई को आपका एग्जाम डेट है, 11 जुलाई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास को एंड करता हूं, अगले दिन नए टॉपिक नए टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।